खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और ये आप सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया और प्रधानमंत्री अब अपने मेहमान राष्ट्रपति को लेकर, जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है उसमें ये लीडर्स शामिल होंगे। और अगर रिश्तों की बात की जाए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी अगवानी की, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ये तस्वीरें, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए ये यहाँ पहुँचे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, ऊर्जा तमाम सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं और इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में न सिर्फ यूएई बल्कि बाकी देशों के भी जो बड़े कारोबारी हैं वो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अभी हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगर आर्थिक समझौतों की बात की जाए, आर्थिक भागीदारी की बात की जाए, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के कार्यान्वयन का भी एक वर्ष पूरा हुआ है और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये हम व्यापारिक आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये यात्रा जो हो रही है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की, वो किन मायनों में बहुत ही खास ये यात्रा है। हमारी सहयोगी मेघना भी इस वक्त लगातार ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गर्म जोशी के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। किन मायनों में दोनों देशों के संबंध और उनकी ये यात्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है? ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच लगातार हाई लेवल कांटेक्ट अगर हम कहें तो वो इस वर्ष देखने मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में COP28 के लिए यूएई की यात्रा पर गए थे जहां पर उन्होंने एक संबोधन भी किया था। और हालांकि अगर हम देखते हैं तो यूएई और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी सेपा जब कंक्लूड हुआ उसके बाद, सेपा के लागू होने के बाद से ज्यादा ये जो संबंध हैं वो सशक्त हुए हैं।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आज चूंकि जो वाइब्रेंट गुजरात का ग्लोबल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन हुआ है, उसके बाद अहम यहाँ पर यह भी है कि कल समिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उम्मीद लगाई जा रही है कि MOUs भी कुछ एक्सचेंज होने वाले हैं, आज उम्मीद लगाई जा सकती है। उसके अलावा भी जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी मेघना बता रही हैं कि दोनों ही देशों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है MOU, वो कई सारे क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन तस्वीरों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, जानिए, और हम जो बात कह रहे हैं उसको भी ध्यान से समझिए कि ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत और UAE के जो संबंध हैं वो किस तरह से प्रगाढ़ मजबूत होते जा रहे हैं। मेघना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल असीम, देखिए ये बेहद ही अहम एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, और जो मोमेंटम है रिलेशनशिप का भारत और UAE के बीच वो लगातार सशक्त होता जा रहा है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो उनका एक रोड शो भी है जो अभी से कुछ ही वक्त में होने वाला है, यहाँ पर काफी यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 2-3 घंटे से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नाहयान आएंगे और जो पूरे जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत ही कम मॉडर्न डे रिलेशनशिप, सभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लीडर के बीच मोमेंटम नजर आता है, जो दोनों लीडर के बीच में जो दोस्ती कमराडरी नजर आती है, उसके साथ ही पर्सनल वॉर्म्थ भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोलते हुए नजर आए हैं कि मेरे भाई हैं, और खास तौर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद आए तो उन्होंने इस बात को एक्स पर भी पोस्ट करके कहा कि वो ये बहुत स्पेशल होगा जब राष्ट्रपति नाहयान आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में ये जो विजिट है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से UAE का बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, और अगर हम UAE की बात करें तो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी राज्य में UAE का है तो वो गुजरात है। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE का कई बार दौरा किया है, तकरीबन 6 बार के आसपास उन्होंने दौरा किया है 2015 से अभी तक लेकर, और उसके बाद एक और अभी दौरा उम्मीद लगाई जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने की इस वर्ष भी। तो बहुत ही अहम एक रिलेशनशिप का मोमेंटम लगातार जारी है। और अगर हम देखें तो राष्ट्रपति नाहयान भी तकरीबन अगर हम देखें इस बार तो वो चौथी बार आए हैं भारत, 2016 से अगर हम उनके जो विजिट है भारत की देखें, जो इनकमिंग विजिट अगर देखते हैं तो, और क्राउन प्रिंस के तौर पे तो यहाँ पर हम अगर हम बोइंग टाइप की बात करें तो कई क्षेत्रों में अगर हम सेपा की बात करते हैं, उसके बाद हम लोकल करेंसीज में ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे एस्पेक्ट हैं, फिनटेक के सेक्टर की बात कर रहे हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे अहम क्षेत्र है बिजनेस का, जिसके लिए खासतौर पर राष्ट्रपति नाहयान गांधीनगर आए। बिल्कुल मेघना, और मेघना की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए मेघना हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ हम डेटा देना चाहते हैं दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए। अगर चूंकि इन तस्वीरों को देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं बहुत ही पुराने संबंध हैं, 2015 में जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी उसके बाद से लगातार एक दूसरे देशों में आना जाना, लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और हम जानते हैं कि खाड़ी मुल्क में UAE एक बहुत ही अहम पार्टनर रहा है भारत का, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी UAE भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश। अगर व्यापार की बात की जाए, चूँकि इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे तजारती रिश्ते हैं, व्यापार की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, और उसके बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2021 की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुए थे मेघना, वो लगभग 68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का दोनों देशों के बीच ट्रेड हुआ था। अगर FDI की बात की जाए, हम जानते हैं कि UAE अप्रैल 2000 से लेकर 2022 तक, यानी कि बीते 22 सालों में
15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह के साथ भारत में सातवां सबसे बड़ा निवेशक है। तो जैसा कि आप कह भी रही थी मेघना कि यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो असीम हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और हम जानते हैं कि इन आंकड़ों के ज़रिए FDI की बात कर ली जाए, ट्रेड की बात कर ली जाए, इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और UAE भारत में सातवां सबसे बड़ा निवेशक है।